का किसी भी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बागवानी पौधों की खेती का विज्ञान है, जो फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है। सजावटी फूलों और उपहार में दिए जाने वाले पौधों की मांग के साथ बागवानी क्षेत्र लाभप्रद और आकर्षक कैरियर के विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बागवानी संभाग बागवानी को नई दिशा देने, फलों, सब्जियों, फूलों की नई और उन्नत किस्मों को पैदा करने और विदेशी किस्मों का विकास करने का काम कर रहा है। इसके साथ ही फसल की पैदावार में सुधार लाना, गुणवत्ता और पोषण महत्वों को बढ़ाना, कीड़ों और कृषि क्षेत्रों की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का लक्ष्य है। अपने इन्हीं लक्ष्यों को पाने के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की एक इकाई के रूप में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई। 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में फलों के राजा आम पर कार्य किए जाने के कारण इस संस्थान का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश के आमों का एक विशेष महत्व है, वो भी खास तौर पे मलियाबाद के आम, वो तो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1972 में रमानखेड़ा में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से विभिन्न प्रकार की आम की किस्मों का संकलन किया जाए तथा जो भी समस्याएं आम से संबंधित हैं उनका निराकरण करने के लिए शोध कार्य करते हुए किसानों को विभिन्न प्रकार की तकनीकियों को पहुंचाया जाए। लेकिन कालांतरण ये पाया गया कि किसानों की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, खाली आम पर निर्भर रहना किसानों के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ये मांग की गई कि क्यों ना बागवानी फसलों के ऊपर भी यहाँ पर शोध कार्य किया जाए और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी उपोष्ण क्षेत्र के किसानों को यहाँ से तकनीकियों को प्रसारित किया जाए। और आम के बाद दूसरा एक प्रमुख फल, उसका नाम था अमरूद। ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश का अमरूद विश्वविख्यात है और पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से ही अमरूद का प्रसार हुआ है, तो हमारे संस्थान में अमरूदों पर भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। संस्थान द्वारा निकाली गई तकनीकियों के प्रयोग से पूरे भारतवर्ष के बागवान लाभान्वित हो रहे हैं। ललित एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जिसका कई हजार हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और इसको एक बहुत ही अच्छी किस्म इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ताज़ा फल एवं प्रसंस्कृत पदार्थ बनाने दोनों के लिए उपयुक्त है। अभी अरुणाचल प्रदेश में किसानों ने 1,00,000 पौधे लगाकर वहाँ ये पाया ये किस्म करीब 4,500 फीट की ऊंचाई पर भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है। आम की परंपरागत और गैर परंपरागत प्रजातियों से उच्च लाभ की प्राप्ति के लिए कीट प्रबंधन किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस क्षेत्र में आम में हॉपर या मधुआ कीट जो आता है वो काफी देर से आता है। नॉर्मली हमारे किसान भाई फूल आने के पहले ही दवा का छिड़काव शुरू कर देते हैं, उस समय यहाँ पर कीट नहीं होता है। जब आपका आम पी साइज का हो या लेमन साइज का हो जाए उस समय हॉपर के कंट्रोल के लिए जो बताई गई दवाएं हैं खास तौर पर जैसे कि इमिडाक्लोपिड है, थायमेथोक्साम है, इसका स्प्रे किसान भाई जरूर करें। दूसरी बात कि मिलीबग को रोकने के लिए जो कि आम के पौधों पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद में उसका नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ार में जो उपलब्ध 6 इंच का या 4 इंच का जो ब्राउन ट्रैप होता है उसको ला करके और उसको जो है आम के तने के ऊपर अक्टूबर नवंबर महीने में बड़े आराम से लगाया जा सकता है। लगाने का तरीका ये है कि थोड़ा सा जो है पेट्रोल मोबिल ऑयल ले लें और खेत की मिट्टी ले लें, पानी मिला लें, हल्का सा पेस्ट बना लें और उसको आम के तने के चारों तरफ गोलाई में हल्का सा पतली पट्टी के रूप में लपेट लें और इसके बाद में उसके ऊपर से ये जो टैप उपलब्ध है इसको चारों तरफ से 2 बार घुमा करके लपेट दें। इससे क्या होता है कि जो बहुत छोटे छोटे मिलीबग्स होते हैं जो शुरू में पौधे पर चढ़ते हैं वो ऊपर चढ़ने में क्या होता है कि प्लास्टिक के ऊपर पहुँचते हैं तो फिसल करके नीचे गिर जाते हैं और अगर अंदर से घुसना चाहते हैं तो मिट्टी के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, उसमें
दब करके वो रुक जाते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स एक किसान जो है इसमें मैंगो में आने लगी है, जो कि पिछले 4-5 साल पहले तो नहीं थी, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी किसान भाई बहुत सारी दवाएँ डालते हैं, लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखें, अगर फ्लावरिंग के पहले, फूल आने के पहले या उसके आसपास में 2-3 अच्छी बारिश हो जाती है तो ये थ्रिप्स की पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाती है। कारण ये है कि ये मिट्टी में रहती है, ठंडी के समय में मिट्टी में बैठी रहती है, और अगर बारिश हो जाती है तो इसके जो प्यूपा होते हैं उसी में मर जाते हैं और इसकी बढ़वार बहुत तेज नहीं होती। लेकिन हमारे बहुत किसान भाई डर के मारे, थ्रिप्स के डर के मारे वो दवा डालना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखें, अगर बारिश हो गई है तो दवा को इस्तेमाल ना करें या कम करें, और ये देखते रहें अगर आपके यहाँ जो हॉपर की दवा पड़ रही है तो उसी के सहारे ये भी थ्रिप्स की भी मर जाती है। आजकल एक बंच बोरर आम में लग रहा है, जो आम के फल गुच्छे में होते हैं उनमें जो है ये कीड़ा बंच के बीच में बैठ जाता है, वो बैठ करके वो खुरच खुरच करके खाता है। उसके कारण क्या होता है कि आम की जो छिलका होता है वो निकल जाता है और सतह के ऊपर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। वैसे इस कीट को रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बंच के बीच में रहता है, पेस्टिसाइड वहाँ पहुँच नहीं पाती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर इसको रोकेंगे नहीं तो आपके आम के फल का बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप जो है पेस्टिसाइड डालें, और बहुत सारी पेस्टिसाइड रिकमेंडेड हैं जो कि आपको मिल जाएंगी बाजार से। दवा डालते समय ये केवल एक ध्यान आपको ये देना है कि आप पूरे वृक्ष पर इसको जो है दवा को ना डालें। जहाँ जहाँ पर आम के गुच्छे हैं उस गुच्छों के बीच में आप नॉजिल लग करके ध्यान से दूर से जो है छिड़के, जिससे कि अंदर तक वो दवा पहुँच जाए। जहाँ पर कीड़ा बैठा हुआ है अगर उसको दवा छू जाएगी तो वो कीड़ा मर सकता है। तो इस तरीके से किसान भाई अगर चाहें तो कुछ कीड़े मकोड़ों को रोकथाम करके अपनी फसल की पैदावार को अच्छा कर सकते हैं। संस्थान बिना मिट्टी की खेती यानी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को और अधिक विकसित करने और इसे बढ़ावा देने के कार्य में निरंतर प्रयासरत है। इस तकनीक से किसान बगैर मिट्टी और कम क्षेत्रफल में अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से सब्जियों के उत्पादन के लिए जो है कम पानी, कम न्यूट्रिएंट में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों का उपयोग करते हैं, अधिक लेयर होने के नाते कम जगह में ज़्यादा उत्पादन होता है। इसमें लेट्यूस, ब्रोकली, चाइनीज कैबेज, अन्य पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया और मसालेदार सब्जियां पुदीना और बेसिल, सेलरी, पार्सले का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। चूँकि पानी हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए 80% जो है पानी की बचत होती है, 40% जो है न्यूट्रिएंट की बचत होती है, और जहाँ पर जमीन नहीं है वहाँ पर इसका उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। संस्थान के पादप रोग विभाग के वैज्ञानिकों ने बाग को रोगों से बचाने के लिए कई तकनीकें विकसित की हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान में फलों के राजा आम पर कार्य किए जाने के कारण इस संस्थान का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आम के बागों में अनेक रोग लगते हैं। ये रोग नर्सरी से लेकर भंडारण तक हर स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही पौधों के लगभग हर भाग को प्रभावित करते हैं। संस्थान के पादप रोग विभाग के वैज्ञानिकों ने बाग को रोगों से बचाने के लिए कई तकनीकें विकसित की हैं। आम के बागों में वैसे तो वर्ष भर अनेक समस्याएं रहती हैं, लेकिन जो आम की उत्पादन की दृष्टि से क्रिटिकल स्टेजेज कहते हैं, महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं, उनमें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। इसमें विशेषकर जब आम का बौर निकलना शुरू होता है, फिर उसका खिलना शुरू होता है और जिस समय फल बनना शुरू होता है, ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस बीच में अनेक रोग आते हैं। अगर मौसम गीला है, बरसात हुई है, ज़मीन गीली है, ऐसे में झुलसा रोग ज़्यादा आता है। इसके लक्षणों पर भी ध्यान देना है कि अगर झुलसा रोग आएगा तो बौर गहरे कत्थई रंग का या काले रंग का होने लगेगा और पूरा बौर झुलस के नष्ट होने लगेगा। ऐसी अवस्था में जब भी बरसात होती है तो सलाह दी जाती है
कि हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, और अगर खर्रा रोग आता है तो उसके लिए भी हेक्साकोनाजोल काम करता है, लेकिन खर्रा रोग के लिए घुलनशील सल्फर जो होता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर बहुत अच्छा काम करता है। खर्रा रोग के लक्षण जो होते हैं वो बौर के ऊपर ऐसा लगता है किसी ने जैसे सफ़ेद रंग का पाउडर छिड़क दिया हो, सफ़ेद रंग का होने लगता है और धीरे धीरे वो बौर सूखने लगता है और उसका गहरा रंग नहीं होता, हल्के कत्थई रंग का रहता है। तो इस प्रकार से इन दोनों रोगों को विशेष ध्यान देना होता है जिस समय बौर खिल रहा हो, और उस अवस्था में अगर इसको बचा ले गए जब तक कि फल बन रहे हैं तो अच्छी फलत हो जाती है और कोई समस्या नहीं आती है। आगे जो अवस्था आती है जब फल पूरी तौर पे मैच्योर हो जाते हैं, तुड़ाई की अवस्था आने वाली होती है, उस समय अगर डाल पे फल पक रहे हैं, उस समय अगर अधिक नमी है, वर्षा हो गई, तो फलों में एंथ्रेक्नोज रोग बहुत तेज़ी से फलों को सड़ाता है। और जो संक्रमित फल हैं अगर कच्चे भी तोड़ के उनको पकाने के लिए रखा जाता है तो उस अवस्था में भी एंथ्रेक्नोज के कारण उनके सड़न होने लगती है। तो इस सड़न से बचाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कच्चे फल तोड़े जाएँ और तोड़ने के बाद उनको गर्म पानी में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी में 10 मिनट तक उपचार करके सुखा के फिर पकने के लिए रखना चाहिए, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की सड़न ना हो। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग आ गया है आम की खेती में, जिसको उकठा रोग कहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ अचानक सूख के मर जाते हैं, या इसी फफूंदी के द्वारा जिससे ये उकठा रोग होता है वो कई बार भिन्न सिम्टम लक्षण पैदा करती है, जो कि 6 रोग कहते हैं हम लोग, डिक्लाइन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उससे पेड़ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, ऐसा लगता है इसमें पानी और उर्वरक और तत्वों की कमी है, धीरे धीरे पत्तियां झड़ती जाती हैं, पेड़ कमज़ोर होता जाता है और कभी कभी 6 महीने से लेकर 2 साल के पीरियड में मर जाता है। इस सब रोग के कारणों में जब हम लोगों ने शोध किया तो पता चला कि मुख्य रूप से इसका कारण है कि जो फफूंदी है, भूमि जनित है, मृदा जनित फफूंदी है, वो जड़ों में संक्रमण करती है। और सामान्य तौर पे जिस जड़ में किसी तरह का कोई घाव इंजरी नहीं की जाती है उसमें ये संक्रमण नहीं कर पाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रचलन है कि 3 से 4 बार जुताई करते हैं, वो भी कभी हैरो से कभी कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर देते हैं, जिससे जड़ों को बहुत सारी चोटें लग जाती हैं और उससे ये फफूंदी अंदर चला जाता है। तो पहली ज़रूरत यह है कि अगर किसी बाग में एक भी पेड़ मरा है तो उस बाग में गहरी जुताई बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जड़ों को किसी भी प्रकार से, चाहे गुड़ाई से हो, चाहे फावड़े से या खुरपी से, किसी भी चीज़ से जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा इस रोग के फैलाव में कारक होता है पानी। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग फ्लड इरीगेशन करते हैं, पूरे बाग में एक साथ पानी भर देते हैं बहुत सारा, उससे अगर एक पौधा संक्रमित है तो उससे दूसरे पौधों तक वो फफूंदी पहुँच जाता है। इसके अलावा अगर जो एक पेड़ मर गया है तो उसके आसपास के पेड़ों को संक्रमण की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए उनका रसायन से उपचार किया जाना चाहिए। एक बार अगर हम 100 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल या हेक्साकोनाजोल भी इस्तेमाल करते हैं, 100 ml हेक्साकोनाजोल या 100 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल, इसका 400 लीटर कम से कम पानी में मिला के और सॉइल ड्रेंच कर देते हैं, मृदा क्षेत्र को सिंचित कर देते हैं, तो वहाँ जो फफूंद होता है मृदा में वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये अंतःप्रवाही तत्व हैं, ये पेड़ के सिस्टम में जाते हैं, अंदर भी जो फफूंद है वो भी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा कापर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी 100 ग्राम से 200 ग्राम मृदा में मिला देते हैं, वो अंतःप्रवाही तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा फफूंदीनाशक है जो कि मृदा में उपस्थित सारे फफूंदों को नष्ट करता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में सुरक्षित आम की तुड़ाई के लिए एक विशेष आम तुड़ाई यंत्र और आम को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 1 टन क्षमता वाली पैकेजिंग लाइन स्थापित की गई है। ये पैकेजिंग लाइन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। संस्थान में 1 टन क्षमता वाली पैकेजिंग लाइन लगी हुई है। ये पैकेजिंग लाइन जो पहले सिट्रस फ्रूट्स में यूज होती थी उसका मॉडिफिकेशन करने के बाद संस्थान द्वारा डिजाइन करके बनवाई गई है। इस पैकेजिंग लाइन में डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे डिसैपिंग यानी मैंगो के सैप को निकालने का यूनिट है, उसके बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है जिसमें हम हॉट वाटर का ट्रीटमेंट दिया सकता है या सैनिटाइजेशन के लिए दिया सकता है ट्रीटमेंट, या फंजीसाइडल ट्रीटमेंट अगर जो आवश्यकता है हमको, ये सारे ट्रीटमेंट इसमें दिए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आम निकल कर वाशिंग यूनिट में जाता है, यहाँ इसकी ब्रशिंग होती है जिसके ऊपर गंदगी जितनी चिपकी होती है वो सब रिमूव कर दी जाती है। उसके बाद वहाँ पे हैवी शावर होता है जिससे सब गंदगी उसकी निकल के बह जाती है। उसके बाद
ड्राइंग यूनिट है जो इसमें स्पॉन्ज लगे हैं वो उसके ऊपर के पूरे पानी को सोख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आम में डीवैक्सिंग की जा सकती है, यानी रीवैक्स करना है अगर, ये ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये ड्रायर, एयर ड्रायर वाले यूनिट में जाता है जहाँ पे आम के सरफेस के पानी को सुखा दिया जाता है। देन उसके बाद ये यहाँ से निकलने के बाद ये ग्रेडिंग के लिए तैयार हो जाता है और ग्रेडिंग यूनिट में जाता है जहाँ पे डिफरेंट ग्रेड 250 ग्राम से ऊपर, 200 250 ग्राम के, 150 से 200 ग्राम और 100 से 150 ग्राम के ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे उसके बाद इन आम को अलग अलग ग्रेड के हिसाब से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इसमें कम से कम हाथ लगाने की आवश्यकता है, ये पूरी मैकेनाइज मशीन है, इसमें पैकेजिंग के टाइम ही आपको हाथ लगाया जाता है जहाँ पे आपको मैंगो पैक कर सकते हैं। हमारा संस्थान विभिन्न प्रकार की किसानों से संबंधित ट्रेनिंग भी करता है, नर्सरी फलों की हो, सब्जियों की हो या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की हो। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। संस्थान में आम की तुड़ाई के लिए विशेष आम तुड़ाई यंत्र और आम को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग लाइन स्थापित की गई है। फार्मर्स फर्स्ट योजना के तहत मैंगो बेस्ड पोल्ट्री पालन तकनीक का प्रयोग अब बहुत से किसान कर रहे हैं। इस तकनीक से कीटों की रोकथाम के अलावा रासायनिक दवाओं के प्रयोग पर भी अंकुश लगा है। मलिहाबाद का जो ये क्षेत्र है इसमें लगभग 28,000 हेक्टेयर में आम की खेती होती है और अधिकांश किसानों की जो आजीविका है वो आम उत्पादन पर निर्भर करती है। इस संस्थान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पोषित फार्मर फर्स्ट परियोजना के को यहाँ मलिहाबाद के 3 गांवों में लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को केंद्रीय भूमिका में रखा जाए और जो संस्थान की तकनीकी है इसको किसानों के बीच विस्तृत किया जाए ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। इस प्रयास में लगभग 2,000 किसानों को हमने इस परियोजना से जोड़ा। पूरे साल भर किसान आम उत्पादन के लिए अधिकांशतः जून जुलाई के महीने में ज़्यादा उनका काम होता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने काम किया केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली के साथ मिल करके एक मुर्गी पालन आम के बागों में शुरुआत की। इसे मैंगो बेस्ड पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। शुरुआत में कोई 20-25 किसान इससे जुड़े, आज कई सारे प्रदेश के कई सारे हिस्सों में इस तरह का जो आम आधारित मुर्गी पालन है ये हो रहा है। इससे किसानों को एक तो पूरे साल इनकम उपलब्ध होती है, इसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो रहा है वो आम के कीटों पर रोकथाम, क्योंकि ये जो मुर्गे हैं जो कड़कनाथ, अशील, कैडी, निर्भीक तमाम किस्म के जो ये मुर्गे हैं ये आम के कीटों पर, खरपतवार के बीजों पर पूरा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे कि पूरे आम के बाग में जो रासायनिक दवाओं का छिड़काव है उसका स्तर काफ़ी कम हो गया है। दूसरा एक बड़ा सफल प्रयोग हमने किसानों के बागों में किया वो था इंटरक्रॉपिंग। इसमें हल्दी की किस्म को हमने प्रदर्शित किया और आज एक गांव जिसका नाम मोहम्मद नगर तालुकेदारी है सीड हब के रूप में विकसित हो गया है और यहाँ पर सारे किसान हल्दी की खेती आम के बागों में कर रहे हैं जहाँ उनको इससे अतिरिक्त आय होती है। फल और सब्जियों के गलत ढंग से रखरखाव, परिवहन, भंडारण और विपणन के दौरान लगभग 25-30% फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि फलोत्तर प्रबंधन द्वारा कटाई के बाद होने वाले इस नुकसान को रोका जाए। लगभग 10-15% ताजे फल और सब्जियां सिकुड़ जाती हैं या फिर बासी हो जाती हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य और उपभोक्ता मूल्य की स्वीकार्यता कम हो जाती है। इससे होने वाले नुकसान से बागवानों और किसानों को बचाने के लिए संस्थान ने नवीन प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। विश्व में भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन
विश्व के लगभग सभी फलों को यहाँ पर उत्पादित किए जाने के बावजूद भारत के फलों का प्रसंस्करण बहुत ही कम मात्रा में है। इसकी वजह से किसानों को बहुत कम लाभ मिल पाता है। हमारे कम से कम 50-60 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर कि हम लोग काम किए हैं, और इधर हम लोग ज़्यादा काम जो कर रहे हैं वो फलों का जो वेस्ट निकलता है, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कम से कम 30 से लेकर 50% तक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में उत्सर्जित करती है। तो उसके लिए हमने वेस्ट से बहुत अच्छी तरीके के उत्पाद बनाए हैं। जैसे कि हम आम की बात करें, क्योंकि आम हमारे इंस्टीट्यूट का एक मुख्य फल है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमने आम के जो उत्पाद बनाए हैं उसमें हमने वेस्ट से आम की छिलके से उसके कैप्सूल्स बनाए हैं। आम के छिलके से हम लोगों ने एक तरीके का फेस वॉश बनाया है। आम की गुठली से तेल है, उससे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। इसी प्रकार वेस्ट से एनिमल फीड सप्लीमेंट और प्रोटीन युक्त एनिमल फीड सप्लीमेंट बनाया है, तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाए हैं। सभी तरीके के फलों की हमने सिरका बनाए हैं। उनकी जैसे कि आंवले की हम लोगों ने चाय बनाई है, आंवले की सुपारी है, आंवले का एक च्यवनप्राश बनाया है जो कि घी और चीनी से रहित है। ये घी और चीनी रहित च्यवनप्राश हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो डायबिटीज़ के और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है। तो इस उद्देश्य से हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं जिससे किसान को उसके उत्पाद का अधिक पैसा मिले। हम गांव के लोगों को यहां पर अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी देते हैं जिससे कि वो लोग कुछ उत्पाद बना करके अपनी जीविका में कुछ लाभ कमा सकते हैं। केला के फ्यूजेरियम उकठा रोग यानी पनामा रोग के कारण फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम भारत में व्यापक रूप से उगाई जा रही ग्रैंड नैन यानी G9 किस्म को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली एक विनाशकारी फफूंदी है। इस बीमारी के कारण उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये कवक मिट्टी और पानी के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है। इस बीमारी को रोकने के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में तकनीक विकसित की जा चुकी है। इस महामारी ऐसा है, एकदम केले का खेती को 5 साल का अंदर खत्म करने का लायक है, और अगर ये यूपी बिहार से लेकर अन्य भारत का क्षेत्रों में फैल जाती है, पूरा भारत में एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा केले का खेती। इस स्थिति पे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय मृदा अनुसंधान लवणता संस्थान के साथ केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में जो उपस्थित है, विशेष तौर पर इसका ऊपर काम करने को 2 साल पहले हमको आदेश दिया गया। इसका परिणाम ये है, आज का दिन में हम लोग इस बीमारी को दूर करने के लिए एक ट्रैकोडर्मा जीवाणु से सूक्ष्म जीव आधारित और जैविक पदार्थ के साथ साथ इसको मिला के इस बीमारी को दूर करने का एक दवाई हमें ICR फ्यूजिकान का नाम से हम लोग बनाए हुए है, और इस दवाई को करीब आज का दिन में 273 एकड़ों में इसको टेस्ट करा के और इस बीमारी को करीब 90% हमें दूर करने का इस दवाई का माध्यम से हमको इलाज मिला। साथ ही साथ केले का नर्सरी में भी जो टीकाकरण के रूप से इम्यूनो बूस्टर दवाई भी हमें बनाया गया है, जिसको जो दवा पौधे बनाते हैं वो पौधे को तंदुरुस्त और स्वस्थ पौधे बनाने के हम लोग सक्षम रहे। इस बीमारी का मुख्य लक्षण केले का पौधे लगाने के बाद 3rd से 5th महीने में आपको दिखने लगेगा। जो पुरानियाँ पत्तियाँ होती है, पुरानों पत्तियों में पीलेपन आने लगेंगे, और उत्तर प्रदेश का जो किसान लोग है वो सोचेगा वो आपका ठंड की वजह से हो रहे, और असली में क्या होगा, उसका जो तना है, तने सड़ने शुरू हो जाती है। तने सड़के सड़के आपको 12वीं महीने में जब फसल काटने लायक स्थिति में आने लगे, पूरा गार आने लगेंगे, उस समय में गार का साथ पौधे नीचे गिरने लगेगा। इसकी वजह से इसका नुकसान बहुत गहरा हो जाता है किसान को, ताकि इनको जितना पैसा लगाया वो पूरा खोना पड़ता है। इसलिए ये बीमारी को बहुत भयंकर महामारी रूप में हम लोग मानता है। संस्थान किसानों को नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों से अवगत कराने, उनके उत्पादों को बाजार देने के लिए प्रदर्शनियों, मेलों और ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। हमारा संस्थान विभिन्न प्रकार की किसानों से संबंधित ट्रेनिंग भी करता है, नर्सरी फलों की हो, सब्जियों की हो या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की हो, इसके ऊपर विशेष तौर से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। दूर दूर से किसान आकर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करते हैं, और 10 से 15 दिन रह के वो वहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो समझते ही हैं, साथ ही साथ नर्सरी में रुक कर वो प्रयोगात्मक रूप से भी अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी फल संरक्षण या मूल संवर्धन पर भी होती है। इन ट्रेनिंग में विभिन्न प्रकार के विषय लिए जाते हैं जो किसानों की आवश्यकता के अनुरूप होते हैं,
और नियमित रूप से इन ट्रेनिंग के कारण लगभग 30,000 से अधिक किसान ट्रेन हो चुके हैं। संस्थान देश के कृषि विशेषकर बागवानी समुदाय के विकास और उनकी उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।